नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के उपवास में एकादशी का महत्व अधिक है। सभी एकादशी का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने पांडु पुत्रों से कहा है। एकादशी मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देती है। प्रतिवर्ष 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशी का महत्व पौराणिक कथा एवं सार अलग अलग हैं। बात करें रमा एकादशी की तो उत्तरी भारत के कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक माह में आती है। रमा एकादशी दिवाली के त्योहार के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। ये कार्तिक माह की एकादशी है जिसका महत्व अधिक माना जाता है। यह एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। साल 2019 में ये 23 अक्टूबर को मनाई जा रही है। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि शुरू 23 अक्टूबर 2000 सुबह 5:10। एकादशी तिथि खत्म 24 अक्टूबर सुबह 3:14। पराना का समय 24 अक्टूबर सुबह 8:47 से 8:51 तक। रमा एकादशी उपवास पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना मुख्य होता है। इसका उपवास एकादशी के एक पहले दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय से पहले सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है। उपवास को तोड़ने की विधि को पराना कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होती है। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वो लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फल फूल धूप अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा करते हैं। स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का विशेष महत्व होता है, इससे सारे पाप माफ होते हैं। विष्णु जी की आरती के बाद सबको प्रसाद वितरित करते हैं। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशियाँ आती हैं। एकादशी के दिन लोग घर में सुंदरकांड भजन कीर्तन करवाते हैं। इस दिन भगवद गीता को पढ़ना अच्छा माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।